माय चैनल रुहान मॉम किचन। आज मैं बना रही हूँ छोटे बच्चों के लिए मैक्रोनी, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो वो तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो डायरेक्ट हम चूल्हे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने हाफ पैकेट मैक्रोनी का लिया है और दो मैंने लिए थे टमाटर, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। सोया सॉस लिया 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है, और अदरक लहसुन लिया है 1 टीस्पून, और उसमें लिया मैंने नमक हसब ज़रूरत, हल्दी ली है मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, और 1 टीस्पून जो है मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और 2 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाला है वेनेगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटा जो है प्याज मैंने उसको अच्छे से काट लिया है छोटे छोटे पीसीज में, और उसको मैं अभी ऑयल में पकाऊंगी। प्याज़ों को मैंने सिर्फ थोड़ी देर पकाया है, और इतनी ही देर पकाना है, इसको गोल्डन नहीं करना ना ही ब्राउन करना है, कि प्याज जो हैं वो पिंक से हो जाएं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये अदरक लहसुन, नमक, गरम मसाला और हल्दी। इसको थोड़ा भूनूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर का पेस्ट, जो 2 टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसको अच्छे से भूनूंगी। बहुत हेल्दी डिश है ये, ज़रूर बच्चों को बना के खिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। जो टमाटर थे वो अच्छे से भून चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिली गार्लिक जो सॉस था, चिली गार्लिक केचप, और ये 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस को थोड़ा पकाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ये चीज़ें डाल के, और बस इतनी ही देर इसको पकाना है। और ये है यखनी बड़े गोश्त की, छोटे बच्चे अमूमन गोश्त नहीं खा रहे होते, तो ये उन बच्चों के लिए रेसिपी है कि आप उनको यखनी बना के इस तरीके से आप दे सकते हैं। यखनी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए, और उसमें सारे गोश्त के जो हैं सारी गिजाइत होती है। तो यखनी की सूरत में दे दें बच्चे को, या आप गोश्त दे दें अगर बच्चा खा रहा है आपका, और अगर नहीं खा रहा तो इस शक्ल में आप दे सकते हैं उसको। अभी मैं इसको इतना पकाऊंगी कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। जितना मुझे शोरबा चाहिए था थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, तो मैंने उसको उतना मैंने चम्मच चला के भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैक्रोनी। बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी डिश है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को थोड़ा ग्रेवी के साथ पसंद आता है खाने में, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी इसलिए ही रखी है कि वो आराम से जो है बच्चा खा सके। आप चाहें तो ग्रेवी कम भी कर सकते हैं। ये मज़ेदार से जो हैं मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हैं।
मैक्रोनी की जगह स्पैगेटीज भी डाल सकते हैं आप, और चिली गार्लिक सॉस की जगह पे आप केचप डाल सकते हैं इसमें। ये बहुत मज़ेदार सी और बहुत हेल्दी डिश बन चुकी है। अब मैं इसको निकालूंगी। बहुत मज़ेदार से मैक्रोनी छोटे बच्चों के लिए जो तरीका मेरा है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया, बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार बने हैं। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।